वंदे मातरम दोस्तों, जो कक्षा 11वीं पास करके 2023 में अब 2024 के लिए प्रवेश किया हुआ है, यानी कि 2024 में हम कक्षा 12वीं की एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, एमपी बोर्ड ने 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया। आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि पहले बहुत समय के बाद कई बार ब्लूप्रिंट आती है, इस बार बहुत जल्दी आ गई है, तो बच्चों को तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा उनके लिए रहेगा ब्लूप्रिंट के लिए। तो हम आज जो है पूरा 12th एग्रीकल्चर जो है हमारा, उसके ऊपर हम ब्लूप्रिंट की विषय पर चर्चा करने वाले हैं, किस चैप्टर से और किस सब्जेक्ट में हमारा कितने नंबर का आने वाला है। जो ब्लूप्रिंट 2023 कक्षा 12वीं यानी कि एग्रीकल्चर के लिए हम जो है देखने वाले हैं, पहला हमारा सब्जेक्ट आता है कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जिसे हम पीसीएमबी के नाम से भी जानते हैं। कृषि गणित के मूल तत्व के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर कई अलग अलग सब्जेक्टों के लिए, जैसे ब्लूप्रिंट पूर्णांक तो जो हमारा पहले था 70 नंबर का, वही आने वाला है। समय भी हमारा 3 घंटे का ही रहने वाला है, जो कि बस थोड़ा सा कुछ नंबरों में और कोविड के माध्यम से जो छूटे हुए चैप्टर हैं उनको वापिस से ऐड कर दिया गया है, यानी कि पूरा सिलेबस अब बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से यानी कि पूरा सिलेबस जो बोर्ड में पूछा जा रहा है, जैसे कि कृषि भौतिकी जो हमारा आता है, फिजिक्स का जो चैप्टर आता है, प्रकाश, तो प्रकाश का जो पूरा जो चैप्टर पूछा जा रहा है वो पूछा जाएगा 3 नंबर में। कितने नंबर में? 3 नंबर में। उसी प्रकार से चुंबक का जो चैप्टर है हमारा, वो भी 3 नंबर में पूछा जाएगा। पहले उष्मा, हमारा जो उष्मा चैप्टर था वो कहीं ज्यादा नंबर में पूछा जाता था, तो अब सिर्फ उष्मा जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा। विद्युत की हम बात करें तो ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। कृषि मौसम विज्ञान, ये कई समय से 5 नंबर में ही पूछा जा रहा है, तो इस बार भी 5 नंबर से पूछा जाएगा। जो चैप्टर हमने पढ़ा है कि बताया कि जो चैप्टर कोविड में छूट गए थे, उन चैप्टरों को वापस ऐड कर दिया गया है और पूरा सिलेबस हमारा दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम कृषि रसायन की, तो कार्बनिक रसायन वाला चैप्टर हमारा 3 नंबर में पूछने वाला है। हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है वो भी 3 नंबर में पूछे जाने वाला। किण्वन एल्कोहल एवं यूरिया का जो चैप्टर आ रहा है वो भी 4 नंबर में पूछा जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हमें क्लियर करना मुश्किल हो रहा है कि भाई किस नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि किस चैप्टर से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आएंगे, किस नंबर किस चैप्टर से 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो पुराने पूछे जाते थे। तेल वसा तथा साबुन में भी 3 नंबर का पूछा जा रहा है। प्रारंभिक जैव रसायन यानी कि इसमें भी 5 नंबर का जो है हमसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान यानी कि कृषि जीव विज्ञान में बायोलॉजी की हम बात करते हैं, पादप कार्यकी यानी कि 5 नंबर का, इसमें बहुत पहले से भी 5 नंबर का आता था और इस बार भी 5 नंबर का आएगा, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। कई बार इसमें हम अंतर पढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण में अंतर पढ़ना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th में 5 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि अथवा में भी आएगा और दोनों में आने वाला क्वेश्चन, यानी कि दोनों में 5 नंबर का। कुलों का अध्ययन यानी कि ये चैप्टर पूछा जाता है 6 नंबर में, यानी कि इसके क्वेश्चन आने वाले हैं 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस। अगला सूक्ष्म जैविकी जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब आते हैं कृषि के कीटों पर, यानी कि लाभदायक कीट, हानिकारक कीटों के बारे में पूछा जाता है। केचुआ, लाग, मधुमक्खी है ना, इन सभी के जीवन चक्र, इनका अध्ययन, इनका आर्थिक महत्व, शारीरिक पाचन तंत्र वगैरह क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इससे सिर्फ 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब आता है हमारा कृषि गणित, यानी कि गणित में क्षेत्रमिति जो है 3 नंबर का पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति 2 नंबर का यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और कृषि सांख्यिकी 5 नंबर का इसमें, यानी कि ये ज्यादातर हम आप इसमें जो चैप्टर पढ़ने हैं कि भाई थ्योरी माध्यम से आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर का आने वाला है। कृषि सांख्यिकी 2nd यानी कि 4 नंबर का आएगा और कृषि सांख्यिकी 3rd इसमें से भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब कुछ चैप्टर वाइज हम देखते हैं कि अलग अलग, यानी कि जो निर्धारित प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, वही 28 नंबर का, यानी कि 70 नंबर में से हमारे 6 जो है 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, 1 नंबर के सही। अब बात करते हैं जो है प्रश्न 1 सही विकल्प होगा 6 नंबर का,
दूसरा प्रश्न क्रमांक दो जो हमारा होगा रिक्त स्थान होगा 6 नंबर का, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य होंगे 6 नंबर के, और प्रश्न क्रमांक 4 जो होगा हमारा सही जोड़ी जो होगा 5 नंबर का, और एक वाक्य में उत्तर पूछा जाएगा वो भी होगा 5 नंबर में। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन मिलाकर पूछे जाते हैं 28 नंबर में ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि इस 28 नंबर में से 25 नंबर आपको हम कवर करवाएंगे यूट्यूब चैनल की पढ़ाई के माध्यम से, और आप वीडियो देखते रहिए लगातार, और इसी प्रकार से अच्छे नंबर पाने के लिए हमारे चैनल पर फसल उत्पादन पशुपालन कृषि गणित के सारे चैप्टर्स आप लोगों के लिए हम उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद प्रश्न जो होता है क्वेश्चन और आंसर के साथ भी हम लोग लगातार आपके साथ बने रहेंगे मार्च एंड तक, जब तक हमारा पेपर कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 से 12 तक जो प्रश्न 7 पूछे जाएंगे वो होंगे 2 अंक के, और प्रश्न नंबर 13 से 16 तक यानी कि 4 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे हमारे 3 नंबर के, और 4 जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे हमारे 4 नंबर के। तो इसी प्रकार से हमारे जो है प्रश्न 4 नंबर तक के लगभग पूछे जाएंगे, तो यानी कि अलग अलग। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्लू प्रिंट में ज्यादातर की किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन हमारा बनने वाला है, ये एक टेंटेटिव है ना, इसे हमने किसी साइट से डाउनलोड किया है, तो एक प्रकार से ये टेंटेटिव मतलब जो है आप लोग इसको ज्यादा गहराई से ना ले क्योंकि ये बदल सकता है, ठीक है, इसलिए इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श, क्योंकि जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल कई प्रकार से हमारे कई बार ब्लू प्रिंटों को क्या कर सकती है आगे पीछे या थोड़ा बहुत फेर बदलाव कर सकती है, तो इसलिए आप इसे ज्यादा गहराई से ना ले क्योंकि हम आखिरी तक जब आते जाएंगे और भी हम इसको समझेंगे एक बार। तो जो प्रकाश आएगा वो 3 यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव आने वाला है, चुंबक से हमारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और उष्मा से भी हमारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। आगे हम बात करते हैं इन दो चैप्टर से, अब विद्युत से हमारा प्रश्न आने वाला है, कृषि मौसम से यानी कि इससे भी 5 नंबर का एक अंक वाले आने वाला है, और कार्बनिक रसायन से यानी कि 2 प्रश्न हमारे 3-3 नंबर के आने वाले हैं यानी कि 6 अंक का इसमें आने वाला है। हाइड्रोकार्बन की हम बात करें यानी कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। किण्वन की बात हम करें तो यानी कि किण्वन या रसायन की यानी कि इससे भी क्या होगा कि भैया 4 अंक का एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। आगे हम देखते हैं कि कुलों का अध्ययन यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है कुलों के अध्ययन से, 5 नंबर का एक क्वेश्चन कुलों के अध्ययन से आ रहा है। एक 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 नंबर के यानी सूक्ष्म जीवी की ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अनुवांशिकी से क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। 3 नंबर कृषि के कीट में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, और क्षेत्रमिति में भी 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, त्रिकोणमिति में भी 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है। इसी प्रकार से 20 अंक यानी कि 4 जो प्रश्न हो वो पूछे जा रहे हैं, और इससे 1-6 से 1 तक का 6 प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक संभावित तरीके से यानी कि अलग अलग जो है चैप्टरों से इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और प्रश्न उत्तर पूछे जाने वाले हैं। तो हमें ज्यादा ये ध्यान में रखना है कि जो पिछली बार जितने भी सिलेबस हमारा आ रहा था उसी सिलेबस के माध्यम से सारे क्वेश्चन और आंसर हमारे और ऑब्जेक्टिव उससे पूछे जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र की। अब उद्यान शास्त्र में जल निकास वाला जो चैप्टर था हमारा पहले भी 4 नंबर का आ रहा था और इस बार भी 4 नंबर का आने वाला है। पादप पोषण यानी कि पादप पोषण और खाद में मिलाकर पूछा जाएगा 6 नंबर का, यानी कि या तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, या 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाएंगे। अगले हम बात करते हैं उर्वरक, तो यानी कि उर्वरक भी कितने नंबर का, 4 नंबर का आने वाला है। इसी प्रकार से यानी कि अब इसमें किसी प्रकार से बदलाव नहीं हुआ है, ये पूरा फसल उत्पादन पूरा ऐसा का ऐसा पूछा जा रहा है। पौध संरक्षण 3 नंबर का, पौध संरक्षण सेकंड ये भी 3 नंबर का पूछा जा रहा है। फलों की खेती का अध्ययन 5 नंबर का, इससे भी कई समय से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं फलों की खेती का अध्ययन यानी कि 4 नंबर से इससे भी क्वेश्चन बनने वाला है। 9 नंबर आपको फलों की खेती फर्स्ट और फलों की खेती सेकंड दोनों से पूछा जाने वाला है। 101% के साथ बोल सकता हूं कि आपके 9 नंबर कहीं नहीं गए जब हमारे जो है चैनल के आपने अगर वीडियो देख लिए गए, ये 9 नंबर तो आपके एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होगा, इसकी जवाबदारी हमारी है, बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा।
अगला फसलों की खेती, फसलों की खेती सेकंड भी हो गया। अब मशरूम की खेती तीन नंबर का, यानी कि इससे भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अब हम बात करते हैं अलंकृत बागवानी की। अलंकृत यानी कि अलंकृत बागवानी से और हरियाली से भी तीन नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों एक एक चैप्टर के अथवा में आने वाले हैं। पौध प्रसारण की विधियां, यानी कि चार नंबर का एक क्वेश्चन इससे भी पूछे जाने वाला है। फलों की खेती फर्स्ट और फलों की खेती सेकंड, पांच पांच नंबर से दोनों का पूछा जाएगा। पिछली बार शायद पांच नंबर का ये था और चार नंबर का ये था, तो अब दोनों से पांच पांच नंबर का। औषधीय पौधों की तकनीकी यानी कि तीन नंबर का, और व्यावसायिक फसलों की खेती यानी कि तीन नंबर का ऑब्जेक्टिव। फसल परीक्षण तकनीकी चार नंबर का क्वेश्चन। परीक्षित उत्पाद एवं विपणन पांच नंबर का। कृषि अर्थशास्त्र तीन नंबर का और भू सर्वेक्षण तीन नंबर का पूछे जाने वाला है। सेम उसकी भी प्लानिंग ऐसी की ऐसी है। अब इसमें हम आगे भी बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव यानी पौध प्रसारण से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, मशरूम की खेती से ऑब्जेक्टिव आने वाला है, अलंकृत की मशरूम की खेती से भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है, अलंकृत बागवानी से भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है, औषधियों की खेती तकनीकी से भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है, व्यावसायिक फसलों की खेती से भी ऑब्जेक्टिव होंगे, कृषि अर्थशास्त्र और भू सर्वेक्षण पे भी आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अब जल निकास से चार नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पादप पोषण से भी जो है चार नंबर का क्वेश्चन है। पादप खाद से भी तीन तीन नंबर, यानी कि दोनों को मिलाकर छह नंबर का हमने सुना था। उर्वरक यानी कि चार नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। पौध फर्स्ट और सेकंड से पांच पांच, यानी कि पांच पांच अंक के। फलों की खेती का पांच अंक का क्वेश्चन आने वाला है। फलों की खेती फर्स्ट और फलों की खेती सेकंड से भी पांच नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसी प्रकार से आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव और चैप्टर, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा आता है पशुपालन। सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का होता है पशुपालन। दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन सभी इसी के अंदर इंक्लूड है, सारे पालन हमारे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आहार एवं पोषण, चार नंबर का आने वाला है। आहार एवं पोषण टू, ये भी चार नंबर का आने वाला है। चिकित्सा संबंधित औषधियों का उपकरण, ये भी चार नंबर से। पशुओं के सामान्य रोग चार नंबर से। पशुओं के सामान्य रोग टू, चार नंबर से। पशुओं की जांच, ये भी चार नंबर से आने वाला है। मत्स्य पालन प्रबंधन, ये दो नंबर का। शुकर पालन दो नंबर का। बकरी पालन चार नंबर का। और भेड़ पालन तीन नंबर का आने वाला है। अब बात करते हैं डेयरी उत्पादन फर्स्ट की, ये भी चार नंबर का आएगा। डेयरी उत्पादन टू, ये तीन नंबर का आने वाला है। हिमीकृत डेयरी उत्पाद, ये चार नंबर का। संगणित डेयरी उत्पाद, ये चार नंबर का। डेयरी उत्पादों का विपणन तीन नंबर का। मुर्गी पालन पांच नंबर का। मुर्गियों हेतु गृह व्यवसाय दो नंबर का। यानी कि सेम प्रश्न और जो ऑब्जेक्टिव हमारे होंगे एक वाक्य सहित जो होते हैं 28 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन सभी ऑब्जेक्टिवों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर के डिटेल के बारे में हमारे चैनल, यानी कि लगातार जो हमारे वीडियो आते रहते हैं उन वीडियो पर आप ध्यान दीजिएगा हमारे, और ध्यान देकरेंगे अगर तो हम बोल सकते हैं वादे के साथ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप 12th में बना सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं, एम इंस्टीट्यूट उज्जैन के द्वारा यानी 11th और 12th एग्रीकल्चर की तैयारी कराई जाती है। साथ में पीएटी आईसीआर और बीएससी की भी हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। और स्पेशल गर्ल्स के लिए नर्सिंग की तैयारी यानी कि जीएनटी एसटी और पीएनएसटी की भी तैयारी हमारे यहाँ पर कराई जाती है। 12th का रिजल्ट हमारे यहाँ का बच्चों के साथ में, और बीएससी एग्रीकल्चर और आईसीआर पीएटी के लिए हमसे जुड़े रहें या संपर्क करें अगर कोई तैयारी करना चाहता है 11th से भी या 12th से भी या 12th के बाद भी तैयारी करना चाहता है तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम।